पत्ता गोभी की बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। इससे सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगेगी। तो चलिए हम पत्ता गोभी की सब्जी बनाते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1.5 चम्मच जितना ऑयल लिया है, आधी चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा। जब ये चटकने लग जाए तब हम इसमें अदरक लहसुन और 2 हरी मिर्च पेस्ट बना के डालेंगे। हरा प्याज, आप सूखा प्याज भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हल्का सा रोस्ट करके मैंने पत्ता गोभी को बारीक कटिंग किया है। आप जिस साइज में कटिंग करना चाहें उस साइज में कटिंग कर सकते हैं। अभी इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। मैंने नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। अब इसको मिक्स करके हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला मैंने, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इस मसालों को मिक्स कर दिया है मैंने। अभी इसमें डालना है बेसन। 1 चम्मच मैंने टीस्पून बेसन लिया है। उसमें पानी का घोल बना के मैंने ऐड किया है कड़ी पत्ता। अब इसको मिक्स करके हम टमाटर डालेंगे। टमाटर आप 1 या 2 डाल सकते हैं टेस्ट के अनुसार। अभी 1 कटोरी जितना पानी डालना है इसको। हींग देखिए, मैंने 1 ग्लास जितना पानी डाला, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बेसन डाला है। थोड़ा पकेगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है, आप भी ट्राई कीजिए और बनाएं। इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी सब्जी बनी है।